इनपुट डिवाइसेस में माउस भी अपनी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या कहलाती है, पॉइंट एंड क्लिक डिवाइस कहलाती है। ओके, बाय यूजिंग द माउस वी कैन पॉइंट ऑन पर्टिकुलर एरिया। ओके, देन इट अलाउज अस फॉर क्लिकिंग। ओके, दैट्स व्हाई वी से व्हेन अ यूजर मूव्स द माउस, जब भी यूजर माउस को मूव करता है ऑन द माउस पैड, ठीक है, एक माउस के नीचे पैड भी रखा जाता है जिससे माउस अच्छे से वर्क करे, है ना, देन द पॉइंटर मूव्स इन अ करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन। और पॉइंटर होता है जो माउस का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क करता है। ओके, दैट्स वाई अ माउस इज कॉल्ड पॉइंट एंड क्लिक। ओके, द प्रोसेस ऑफ अ माउस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट एंड क्लिक। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि पहले माउस में ट्रैक बॉल का, एक बॉल का यूज किया जाता था डायरेक्शन के लिए। ओके, और उसका इन्वेंशन हो गया है, ये 1946 में ही इसका इन्वेंशन हो गया है। ओके, दैट यूज्ड अ रोलर बॉल, जिसमें एक बॉल का यूज किया जाता था कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब देखो काफी ज्यादा सहूलियत दे दी है इसमें, दो बटन बना दिए लेफ्ट और राइट के, और मिडिल में भी स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन के स्क्रॉल्स बना दिए हैं, व्हील, ठीक है, जिससे लेफ्ट और राइट भी क्लिक होता है और मूव भी हो जाता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये हमने पढ़ लिया था। अब है हमारा इनपुट डिवाइस टच पैड। ओके, टच पैड का मीनिंग क्या होता है, जैसे हम लैपटॉप्स का एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जिसमें सारी स्पेशल कीज, डिजिट्स, ओके, अल्फाबेट्स, ये सब दे रखे होते हैं, और इसके जस्ट नीचे एक एरिया दिया हुआ होता है जिस पे अपन अपनी फिंगर को या बाय यूजिंग द एनी अदर एसेसरीज अपन मूवमेंट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर एरिया दे रखा होता है ना, उसको हम कहते हैं टच पैड। ओके, तो ये बता रहे हैं कि ये किस नाम से जाना जाता है, ये ट्रैक पैड के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नाम से जाना जाता है, ट्रैक पैड के नाम से। ओके, अ टच पैड इज नोन एज कॉमनली सब्स्टिट्यूट फॉर अ कंप्यूटर माउस। ठीक है, माउस की जगह भी इसे यूज किया जाता है। इट इज असेंशियली अ स्पेशलाइज्ड सरफेस, जैसा कि मैंने बताया आपको कि लैपटॉप में एक स्पेशलाइज्ड सरफेस दिया जा रहा है ऑन विच वी कैन हाईलाइट द डायरेक्शन। ओके, और हाईलाइट द मूवमेंट्स ऑन द मॉनिटर, दैट कैन डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ अ यूजर्स फिंगर, है ना, फिंगर का यूज करके हम करते हैं मोस्टली, एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू इट डिरेक्ट अ पॉइंटर एंड कंट्रोल अ कंप्यूटर। ओके, जो डायरेक्शन देता है कंप्यूटर को बाय द पॉइंटिंग। ओके, और कंट्रोल करता है, कंट्रोल कर ही रहा है नेचुरली, जहाँ हम मूवमेंट करेंगे, जहाँ हम क्लिक करेंगे, कंप्यूटर उस अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ओके, और ये कह रहे हैं कि ये फर्स्टली यूज हुआ था लैपटॉप के साथ ही 1990s में। ओके, तो टच पैड क्या है, अ स्पेशलाइज्ड सरफेस और एरिया, ओके, ऑन विच अ यूजर कैन इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर बाय यूजिंग द फिंगर, राइट। इसके बाद आता है स्कैनर। स्कैनर भी आपके क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ओके, एक इनपुट डिवाइस है जो क्या काम आती है, स्कैनिंग करने के काम आती है। जैसे आप कह रहे हो कि सी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, तुम स्कैन है, वो भी क्या कर रहा है, यूजर बाय यूजिंग द स्कैनर फंक्शन। ओके, कंप्यूटर सेज टू यूजर टू इनपुटिंग द डेटा, ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है उस डेटा को। इसी तरीके से स्कैनर क्या होता है, हम कोई भी टेक्स्ट, ओके, इमेजेस, वो सब जब स्कैनर को भेजते हैं, ठीक है, जैसे अपन स्कैनिंग कराने जाते हैं, तो आप कोई भी पेज जैसे प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए रखा जाता है, उसी टाइप से, ठीक है, स्कैनर में वो पेज यदि अपन रख रहे हैं पर्टिकुलर,
ठीक है, डेटा सेंड भी कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बता रही हूँ। तो वो स्कैनर क्या करता है, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट इमेजेस है ना उसको सेव कर लेता है। ओके, हम उसको फर्दर सेंड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर उस चीज़ को स्कैन कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और मेमोरी में वो डेटा सेव हो जाता है। ओके, प्रिंटआउट से तो डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा। ओके, लेकिन स्कैनर में क्या होता है, उसकी मेमोरी में अपन उसको सेव भी रखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बाय यूजिंग द स्कैनर सॉफ्टवेयर डेटा को सेव भी रख लेता है। तो इसलिए ये कह रहा है, द वर्ड स्कैनर कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन द कंप्यूटर वर्ल्ड, बट हियर आई एम यूजिंग इट टू रेफर द डेस्कटॉप इमेज स्कैनर। असेंशियली ये यहाँ से लिखना आप स्टार्ट कर देना, असेंशियली अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है दैट यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है, बाय यूजिंग द ग्लासेस इट इज अ एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर इमेजेस और समटाइम्स टेक्स्ट। ठीक है, इमेज और टेक्स्ट को इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में सेव भी करके रखता है, वेयर द सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज और एवरीथिंग, ओके, विच आर इन एनालॉग फॉर्म और सिग्नल्स दैट ऑल आर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल्स। ओके, डिजिटल इमेजेस, चाहे टेक्स्ट है या इमेजेस है, वो सब डिजिटल मतलब 0-1 फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ओके, और अगेन मेमोरी से कन्वर्ट होके हमको जो दिखाई देता है वो हाई लेवल लैंग्वेज दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन जो मैनुपुलेशन हो रहा है ना कंप्यूटर में बाय यूजिंग द स्कैनर, वो सब किस में होता है, डिजिटल फॉर्मेट में। द डिजिटल इमेज कैन देन बी व्यूड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, सेव्ड, एडिटेड, ईमेल्ड और प्रिंटेड, जिसको हम फिर से एडिट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव हो जाती है वो पूरी की पूरी बाय यूजिंग द स्कैनर। एक सॉफ्टवेयर होता है ये, है ना, एक इनपुट डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराने के काम में आता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमको इमेज को यदि उसकी हाइट विड्थ चेंज करनी है वो भी बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटली ये भी एक क्या है, आपकी इनपुट डिवाइस है, राइट। देन आपके आता है डिजिटल कैमरा। ओके, डिजिटल कैमरा भी क्या काम आता है, कैमरा क्या काम आता है, हमारी पिक लेने के काम में आता है। ठीक है, तो ये पूरा बैक हैंड में डेटा को जो हमारा पिक्चर कैप्चर करा है वो सब डिजिटल फॉर्मेट में चेंज करके हम जब उसका आउटपुट निकलवाएंगे, है ना, जब हम हमारी फोटो को एनलार्ज करवाएंगे उसका, ठीक है, पिक्चर निकलवाएंगे, तो वो अगेन पिक्टोरियल फॉर्म में आ जाता है, इमेज फॉर्मेट में। बट जो मैनुपुलेशन है ना इस सॉफ्टवेयर का, वो सब डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो देखो ये क्या बता रहे हैं, डिजिटल कैमराज आर यूज टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज इंडिपेंडेंटली, दीज फोटो एंड वीडियो फाइल्स कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर बाय कनेक्टिंग द कैमरा डायरेक्टली विद अ केबल। ठीक है, इसको बाय यूजिंग द केबल अपन अटैच कर देते हैं किसको, डिजिटल कैमरा को। ओके, एंड रिमूविंग द मेमोरी कार्ड एंड स्लोटिंग इट इनटू द कंप्यूटर और थ्रू वायरलेस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, बाय यूजिंग द केबल, ओके, मेमोरी कार्ड्स, ओके, ये सब अपन क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। ओके, वायरलेसली और विद द वायर बाय द केबल्स ये ट्रांसफर हो जाता है सारा डेटा। ओके, अपन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफर कर सकते हैं डेटा, कहाँ, कंप्यूटर में। वंस द फोटोज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वंस द फोटोज आर ऑन द कंप्यूटर दे कैन बी सेव्ड, एडिटेड, ईमेल्ड और प्रिंटेड। ये सारा कंप्यूटर में डेटा फीड हो जाता है और उसके बाद हम इसे सेंड भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। ओके।